जी हाँ, जनमंच न्यूज पर आप देख रहे हैं सरकारी बाबू का प्रेम जाल, शादी जाल, माया जाल। किस तरह से शेरवानी एक ही रखता है, घोड़ी एक ही रखता है, लेकिन दुल्हन बदलता है। ये जो शादी करता है सिर्फ मंदिरों में शादी करता है, घर में शादी नहीं करता है। इस वक्त देख सकते हैं मोनिका जो पहली पत्नी जनमंच से जुड़ी हुई है, ये चौथी पत्नी है नेहा, जो तस्वीर में देख सकते हैं, ये है तीसरी पत्नी जो दीक्षा जो तस्वीर देख रहे हैं, और जो दूसरी पत्नी है उसका कोई पता नहीं है, कोई अपडेट नहीं है। आप तस्वीर देख रहे हैं बैंक बाबू, सरकारी कर्मचारी, बैंक मैनेजर राजेश की तीन बीवियां मोनिका, नेहा और दीक्षा, तीनों न्याय चाह रही है। मोनिका से उसने लव मैरिज किया, दीक्षा से उसने अरेंज मैरिज किया और नेहा से भी अरेंज मैरिज किया, और एक लड़की जो अभी सामने नहीं है, उसका कोई अपडेट नहीं, उससे भी शादी किया। लेकिन तीन प्रूफ मेरे पास है जो तस्वीर में देख रहे हैं। आपने अब तक दीक्षा की कहानी देखा और आपने अभी तक नेहा की कहानी देखा, और आप देखिए मोनिका की कहानी। ये जो पहली बीबी है नवेशा, इन्हीं की बेटी है। मोनिका जी, ये मुझे बताइए, आप ये जो बैंक मैनेजर है राजेश के संपर्क में कब आए हैं आप? हम लोग ट्रेनिंग में मिले थे। कहाँ मिले थे आप? ट्रेनिंग में बॉम्बे में मिले थे। वो ईयर कौन सा था, साल कौन सा था? 2016 में मिले थे जी। आप बताइए फिर क्या हुआ आप लोगों के बीच में? कुछ नहीं, फिर हम फ्रेंड्स बने जी, फिर हम लोगों की शादी हो गई। हम्म। और शादी के बाद से बहुत वो मेंटल टॉर्चर और हर चीज पे टोकना और मेंटल टॉर्चर बहुत ज्यादा, मतलब कोई, मतलब किसी को मैनिपुलेट करते हैं ना, जैसे वो था, चाहे कितना भी अच्छा करो, कुछ भी करो, लेकिन फिर भी हर बात पे ताने देना, गलत बात बोलना, फिर मेंटल टॉर्चर धीरे धीरे फिजिकल टॉर्चर में बदल गया। मुझे ये बताइए, आपका जो बच्ची है नवेशा कब हुई थी? वो 2018 में हुई थी। जब आपका रिश्ता बन नहीं रहा था राजेश के साथ, तो आपने डाइवोर्स क्यों नहीं ले लिया था 16 में ही? मैंने डाइवोर्स इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरे को नवेशा चाहिए थी। मेरा मन में ये ख्याल था कि अगर मैं डाइवोर्स ले लूंगी तो फिर राजेश मेरे को नवेशा को कभी देगा ही नहीं। अच्छा, तो इस वजह से मैंने कभी डाइवोर्स नहीं लिया क्योंकि मुझे नवेशा की कस्टडी चाहिए थी। मुझे ये बताइए, इस वक्त आपकी बेटी कहाँ है? वही उन लोगों के पास में ही है, पटना में ही है। क्या आप चाहती नहीं कि बेटी आपके पास आए? हाँ। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? मैंने बॉम्बे में कस्टडी केस भी फाइल किया था। हम्म। और मैंने बॉम्बे में FIR भी फाइल की थी। हम्म। कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो लोग बहुत शातिर है, वो लोग पता नहीं कैसे पुलिस से भी बच जाते हैं, कोर्ट से भी बच जाते हैं, समझ नहीं आता। मुझे बताएं आप, आपकी बेटी कब से उनके कब्जे में है? जब से वो पैदा हुई तब से, यानी 18 के बाद राजेश के ही पास है? मतलब 6 महीने मैं पटना रही। अच्छा, तब हम लोग, मैं वही रहती थी पटना में, तब तो मेरे को इतना बहुत बहुत ज्यादा हैरेस किया। अच्छा, मेरे को मतलब बेटे को मेरे पास नहीं रहने देते थे बिल्कुल भी। अब दो अटैचमेंट नहीं, बेटे को अटैचमेंट नहीं होने देते थे बिल्कुल भी, अब पास नहीं आने देते थे। मोनिका जी, अब 2023 चल रहा है, बिटिया की याद आती है? तो याद तो आएगी। मिलना चाहती है बेटिया से? मैं तो मिलना चाहती हूँ, लेकिन वो लोग मिलने नहीं देते हैं। मैं मिलवाऊंगा आपसे, आपकी बेटी को मैं मिलवाऊंगा आपसे, आप तक पहुंचाऊंगा मैं। 2018 से लेकर 23 तक कितने बार मिल चुकी अपनी बिटिया से आप? मैं से वो 1 साल की थी तब मिली थी, तब लास्ट मिली थी उसके। लास्ट कब था, वो समय क्या था, साल कौन सा था जब मिली थी आप? 2019 में। उसके बाद आपने अपनी बिटिया का मुंह नहीं देखा? नहीं। कभी वो बात करवाने की कोशिश करता है अपनी बिटिया से? नहीं, मैं वीडियो कॉल करती हूँ तो मेरे को ब्लॉक कर दिया व्हाट्सएप के ऊपर, तो मैं देख भी नहीं पाती हूँ। देख लीजिए, ये है बैंक कर्मचारी राजेश की कहानी, अपने ही बेटी को इनसे मिलने नहीं देता है। जो पहली बेटी है, इन्हीं की बेटी है मोनिका का,
इनसे दूर है, ये मां मिलना चाहती है। आखिरी बार 2019 में मिली थी, इनकी आंखें तरफ गई अपनी बेटिया को देखने के लिए। ये इतना बड़ा निर्लज है, इतना बड़ा ये कुकर्मी है कि नंबर ब्लॉक कर दिया है मोनिका जी का, अपनी बिटिया से बात करने नहीं देता है। ये हो रहा है इस खेल में। मुझे ये बताइए मोनिका जी, आपने अपने शादी में कितना खर्च किया था? उस दहेज लोभी परिवार को आपने कितना पैसा दिया था? कम से कम 15-20 लाख। 20 लाख रुपया दिया आपने? और ना मेरे सारे गहने ज्वेलरी वगैरह जो मेरे को मेरे घर वालों ने दी, वो सब भी उन लोगों के पास में ही है, मेरे पास में कुछ भी नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइए, नेहा जी की जब शादी हुई थी ये तो मंदिर में किए थे, दीक्षा जी की जो शादी हुई थी ये भी मंदिर में किए थे, आपकी शादी कहाँ हुई थी? मेरी शादी पटना में हुई थी। कहाँ? मैरिज गार्डन में हुई थी। अच्छा मैरिज गार्डन में हुई थी। हाँ। अच्छा आपकी शादी मंदिर में नहीं हुई? नहीं। चलिए कम से कम कुकर्म होने से बच गया। ये कुकर्मी सिर्फ मंदिर में कुकर्म कर रहा था, कम से कम इनकी शादी मंदिर में नहीं हुआ, कम से कम भगवान के सामने जो 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 रच अकेला कम से कम ये नहीं हुआ। लेकिन ये जो तीन बीवियां हैं, इन लोगों की क्या गलती? ये जो मोनिका है ये तो अपना जीवन त्याग दी, अपना उसे पति बना ली, 15 लाख रुपया खर्चा की। सोचिए मोनिका जी 15 लाख रुपया खर्च किए, दीक्षा जी का परिवार 22 लाख से ऊपर खर्चा किया, नेहा जी का परिवार 25 लाख से ऊपर खर्चा किया। अब तक आपके पास कितना अपडेट है कि आपका जो भूतपूर्व पति है कितना शादी कर रखा है? मुझे तो नेहा और श्वेता, मतलब नेहा के बारे में और दीक्षा के बारे में मालूम है, दो लोगों के बारे में। और अपडेट है आपके पास? और अपडेट तो नहीं है, बस यही दो के बारे में पता है मुझे, और कोई होगी। एक बार जरूर 2019 में मुझे एक लड़की का फेसबुक पे मैसेज आया था, तो उसने कहा था कि ना शादी की बात चल रही है, तो उनको कहीं से मेरा वो संपर्क में आई फेसबुक के, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप लोगों का डाइवोर्स हो गया क्या, तो मैंने उनसे कहा नहीं डाइवोर्स वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है, तो ऐसी बात है। अच्छा क्या आपने राजेश जी से डाइवोर्स लिया या उसने डाइवोर्स लिया आपसे? नहीं लिया डाइवोर्स। अच्छा नेहा जी आप बताइए, क्या आपका डाइवोर्स हुआ है? नहीं अभी तो नहीं हुआ। आप बताइए आपका डाइवोर्स हुआ है? नहीं बिल्कुल भी नहीं हुआ। देख लीजिए तीनों में, तीनों बीवियों का डाइवोर्स नहीं हुआ। ये मोनिका जी पहली पत्नी है, इनसे डाइवोर्स नहीं हुआ तो इनसे शादी कैसे हो गया दीक्षा से? दीक्षा से डाइवोर्स नहीं हुआ तो फिर शादी कैसे हो गया नेहा जी से? ये है करतूत, ये है बैंक मैनेजर की कहानी, सरकारी बैंक मैनेजर की कहानी, जो जनमंच न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि देख लीजिए क्या क्या खेल कर रहा है। तीन बीवी साक्षात सामने, फर्स्ट सेकंड थर्ड, चौथा का पता नहीं, जिंदा है कि मर गया कोई अपडेट नहीं है, लेकिन आगे क्या करेगा वो भी पता नहीं, ये कितना जिंदगी बर्बाद करेगा। मोनिका जी ये बताइए, न्याय में आप क्या चाहते हैं? मैं तो ये चाहती हूँ कि और लोगों की, किसी की जिंदगी खराब नहीं हो, बहुत लोगों की जिंदगी खराब होगी। आप क्या चाहते हैं नेहा जी बताइए? हम भी यही चाहते हैं कि और किसी लड़की का लाइफ खराब ना हो। आप बताइए आप क्या चाहती हैं? वो जेल के पीछे रहे। हम्म, बिल्कुल, उसको सजा मिले कि इतनी सारी लड़कियों का जिंदगी बर्बाद किया, हम लोग की जिंदगी का क्या है, कहाँ हम लोग जाएं? देख लीजिए हिंदू के कौन से कानून में लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है कि बिना तलाक दिए हुए आप शादी कर सकते हैं? कौन कानून कहता है कि आप तीन तीन बार घोड़ी पे चढ़िए बिना डाइवोर्स लिए हुए? हो रहा है समाज में। ये देखिए दहेज लोभी परिवार का खेल, जनमंच ने उजागर किया, सबको लूटा, मोनिका जी को लूटा, नेहा जी को लूटा, दीक्षा जी को लूटा, ना जाने कितनी बेटियों को लूटेगा ये खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी राजेश और उसका पूरा परिवार। यही चल रहा है, न्याय में ये चाह रहे हैं कि, ये तो चाह रहे हैं दीक्षा कि उनको जेल हो, नौकरी जाए, और आप डिसाइड कीजिए कि इस तरह के लोगों को क्या होना चाहिए। मोनिका जी मुझे ये बताइए, जब आपका रिश्ता बिगड़ रहा था कि आपके मन में आत्महत्या करने जैसा ख्याल आया था क्या? जब मेरे को मेरी बेटी से अलग करते थे तब जरूर, मेरे जब मैं पटना में रहती थी तब मेरे मन में मतलब एक दो बार ऐसा ख्याल आया था कि ऐसी जिंदगी जी के अब क्या करना, लेकिन फिर मैंने थोड़ी हिम्मत करी कि नहीं ऐसे तो कैसे होगा काम। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या आपने आगे शादी की या
छोड़ दिए? नहीं नहीं मैं बिना डाइवोर्स के कैसे शादी करूँ, और वैसे भी मुझे तो मेरे बेटे चाहिए, मुझे शादी वादी नहीं करनी, मुझे सिर्फ मेरी बेटी। देख लीजिए ये है भारतीय नारी, मैं इस तरह के नारी को सैल्यूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। देख लीजिए ये होते हैं भारतीय नारी, शादी नहीं की अब तक, इनको सिर्फ अपनी बिटिया चाहिए, नवेसा चाहिए, जो 3 सालों से तड़प रही है, तरस रही है अपनी बेटी को देखने के लिए, पाने के लिए। लेकिन ये जो कुकर्मी है, जो दावा करता है कि मेरा 5 किता जगह पे मकान है, 3 गो पटना में है, 2 गो दिल्ली में सरकारी नौकरी है, जो धोस जमा रहा है, देख लीजिए एक माँ से अपनी बेटी को जुदा कर रखा है ये। और साथ साथ खेल समझिए, इन सभी बेटियों का जिंदगी बर्बाद कर दिया इसने। मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाइए बेटी बचाइए, और एक कहानी वाक्य सामने आ गया था, सामने SDM मोरिया का, बेटी पढ़ाइए लेकिन पत्नी को नहीं पढ़ाइए, पत्नी बेवफा होती है। कहाँ पत्नी बेवफा होती है? मोनिका बेवफा है क्या? नेहा बेवफा है क्या? दीक्षा बेवफा है? कहाँ है वो ठेकेदार जो चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि पत्नी को मत पढ़ाइए? देख लीजिए कुछ कहिएगा इस सब चीज़ों पर। एक पति बैंक कर्मचारी बैंक मैनेजर, 3 की जिंदगियां बर्बाद कर दी, सामने तस्वीर में एविडेंस, 3ों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। और आप लोग ज्योति मोरिया को ट्रोल कर रहे थे, हाय रे दुनिया, ज्योति मोरिया को तरह तरह सवाल कर रहे थे, कितनी निर्दयी बीबी है ये, तो ये क्या है? बैंक कर्मचारी राजेश, इनकी बेटी मोनिका जी की बेटी को इनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, कोर्ट का सहारा लिए हुए हैं। आपको भी पता है कि देश में न्याय कैसे मिलता है, अभी तक इन परिवारों को न्याय नहीं मिला है, इनको बेटी नहीं मिला। नेहा जी जहर खा लिए थे, किसी तरह से कुदरत का करिश्मा हुआ, खेल हुआ, ये बच गए। ये जो दीक्षा ये भी आत्महत्या करने जा रही थी, बच गए 3ों। यही हो रहा है, यही है बैंक कर्मचारी की कहानी। हम कोशिश करेंगे मोनिका जी को इनके बेटी से मिलवाने का। मोनिका जी आप इन दिनों कहाँ रहती हैं? मैं राजस्थान में रहती हूँ, अभी मेरे घर पे। जी हाँ, ये माँ अपनी बेटी को चाहती है, ये चाहती है कि मेरी बिटिया नवेसा मिल जाए, ये दोनों न्याय चाहते हैं, ये चाहते हैं कि उसको जेल हो। अब देखते क्या होता है, जुड़े रहें जनमन से, जल्दी हम कोशिश करेंगे इनकी बिटिया को सामने लाने का और इनके माँ से मिलाने का। शेयर कीजिए, धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।